आजम को मुस्लिम खवातीन से मोहब्बत के अंदर भी पैदा हो गई। मैं हिन्दुस्तान के वजीर आजम से यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको वाकई में हमदर्दी है हिन्दुस्तान के वजीर आजम, तो आपके जिस घर में आप दिल्ली में रहते हैं बैसे वजीर आजम, उससे 10 किलोमीटर के फासले पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, जहां से उत्तर प्रदेश का बच्चा, गरीब खानदान का बच्चा पढ़ने के लिए एक एडमिशन मिलता है जिसका नाम नजीब है। हिन्दुस्तान के वजीर आजम 23 दिन से नजीब लापता है। लापता उस दिन से हो गया जब उसको मारा पीटा गया था सन परिवार के नौजवानों ने। उसके बाद से नजीब लापता है। 20 दिन से नजीब की मां जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हिन्दुस्तान के वजीर आजम रो रही है, पुकार रही है कि मेरा नजीब कहाँ है, मेरा नजीब कहाँ है। और हिन्दुस्तान के वजीर आजम दिल्ली की पुलिस से एफआईआर रजिस्टर नहीं करती। क्या नजीब की मां कल दिल्ली के सड़कों पर एहतजाज करती है तो हिन्दुस्तान के वजीर आजम उस दिल्ली की सल्तनत के बाद जब बैठते हैं तो आप ही के नाक के नीचे नजीब की मां को पुलिस वाले रोड पर घसीट के ले जाते हैं। बताओ मिस्टर मोदी, मुसलमान औरतों से क्या तुम्हारी हमदर्दी है कि एक मां अपने बच्चे के लिए तड़प रही है, एक मां अपने बच्चे के लिए तड़प रही है कि मेरा बेटा नजीब कहाँ है, नजीब कहाँ है। बताओ हिंदुस्तान के वजीर आजम, अगर आप एक फोन उठा कर देते दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को कि 24 घंटे में नजीब मिलना चाहिए और ट्वीट भी कर देते तो हम समझते कि हाँ मोहब्बत हमदर्दी के तुम्हारी बातें वाकई में सच्चाई पर वो बननी है। मगर नहीं, नजीब की मां आज भी रो रही है मेरे भाई। कल पुलिस स्टेशन में रख दिया गया उस हमारी मां, 70 साल की मां रो रही थी। हिंदुस्तान के वजीर आजम जलसे में कहते हैं कि मैं मुस्लिम औरतों से इंसाफ चाहता हूं। बोलते भाइयों बहनों, 3 तलाक खत्म होना चाहिए। हिंदुस्तान के वजीर आजम, आप मुस्लिम औरतों से हमदर्दी की बात कर रहे हैं तो सुनो, क्योंकि इस्लाम माशरा का पहलू भी यहां पर इस जलसे में उलमाए इकराम ने उठाया है। हम बर्थडे नहीं मनाते, हम केक नहीं काटते, इसलिए कि हमारी तहजीब का हिस्सा नहीं।